का सिस्टम बना हुआ है, एक बार तो देख के दिल दहल जाता है। आप जब इमेजिन करने की कोशिश करते हो कि वहाँ किस तरह से हमारे वीरों को फांसी दी जाती होगी, तो बड़ी घबराहट सी होती है। उसको देख के लगता है कि आज हम सोच भी नहीं सकते, जिस खुली हवा में हम सांस ले रहे हैं, उस खुली हवा को देने के लिए कितने अनगिनत लोगों ने अपनी जान कुर्बान कर दी। अनगिनत लोग, एक फांसी घर तो यहाँ है, ऐसे पता नहीं देश भर में कितने फांसी घर होंगे जहाँ पे अनगिनत लोगों को फांसी पे लटकाया गया और तब हम लोगों को आज़ादी मिली। तो आज 75वीं वर्षगांठ के अवसर पे उन सब लोगों को भी याद करने का मौका है जिन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। तो आप लोग भी जाने से पहले उसे देख के जाइएगा, और भी अपने दोस्तों को मित्रों को बताइएगा इसके बारे में, वो भी देखने के लिए आएँ ताकि वो उन सब लोगों को याद कर सकें जिन लोगों ने शहादत दी थी। और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिन लोगों ने शहादत दी, उनका जो सपना था भारत का, उस सपने को हम सब लोग मिलके ऐसा भारत बनाएं जो उन लोगों का सबका सपना था। आप सब लोग आज इस कार्यक्रम में आए, शिरकत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।